लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल सी बात है, डिमांड और प्राइस में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस ऊपर गई तो डिमांड नीचे हो जाती है, डिमांड ऊपर होगी कब? जब प्राइस नीचे हो जाती है। तो ये तो हमको पता भी है, लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि ये स्लोप डाउनवर्ड्स करता है डिमांड कर्व। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड नीचे आती जाएगी। इस पर अपन लोग पूरा डिस्कशन भी करेंगे। डिमांड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राइस डिमांड, एक होती है इनकम डिमांड, एक होती है क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड भी तीन प्रकार की होती है। जब कोई इंडिविजुअल डिमांड करता है उसके लिए अलग प्राइस होती है, इंडस्ट्री के लिए अलग प्राइस होती है, या फर्म कोई डिमांड करती है, या इंडिविजुअल सेलर, एक तो इंडिविजुअल खरीदार होता है, एक इंडिविजुअल सेलर भी होता है, छोटी मोटी दुकान खोलने वाले, तो उनकी भी अपनी डिमांड होती है। तो ये सब मिलाकर प्राइस डिमांड को डिसाइड करते हैं। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड क्या होती है? देखिए इस डायग्राम से समझिए कि इनकम जब बढ़ती है, वाई से वाई बन गई, तो क्या होता है? वाई पे प्रोडक्ट कितना हम खरीद रहे थे? क्यू। जब ये वाई बन गया तो प्रोडक्ट कितने खरीदा जा रहा है? क्यू बन। यहां पर भी हम आते हैं अभी। सपोज तीन प्रकार के गुड्स हैं, लग्जरी गुड, इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स सिंपल गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो बहुत सस्ते गुड्स होते हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और लग्जरी जो ऐशो आराम के लिए होते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इन्फीरियर गुड्स क्यों लेंगे? हम 10 रुपये वाले आलू क्यों लेंगे? हम 15 रुपये वाले आलू खरीदेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम घी की जगह बटर खाएंगे। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को अपनी कम कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। इसलिए ये देखिए अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, और नॉर्मल गुड्स इनके बीच में रहेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उतने ही रेशियो में ये बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनकम के हिसाब से डिमांड का बढ़ना घटना। तीसरा एक और होता है क्रॉस डिमांड, एक प्रोडक्ट के बढ़ने या घटने से दूसरे पर असर पड़ना। जैसे चाय या कॉफ़ी ले लीजिए, अगर कॉफ़ी के रेट्स बढ़ गए तो लोग टी पर शिफ्ट हो जाते हैं, टी की डिमांड बढ़ जाती है। ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? एक को हम छोड़ ही देते हैं दूसरे के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों के बिना हम खरीद ही नहीं सकते। इंक चाहिए ही है पेन में, बिना पेन के इंक किसी काम की नहीं, बिना इंक के पेन किसी काम का नहीं। इसलिए एक की भी प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड में फर्क आएगा, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इसको ऐसे समझिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, यानी प्राइस एक की पड़ी और डिमांड दूसरे की बढ़ गई। A1 प्राइस बढ़ी प्रोडक्ट ए की और क्वांटिटी बी की बढ़ गई, यानी कॉफी की प्राइस बढ़ी और डिमांड किसकी बढ़ गई? चाय की। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डाउनवर्ड्स आता है, अगर एक की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी अपने आप। ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्रॉस डिमांड क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स है? अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये पेपरों में क्वेश्चन बहुत आता है, और बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है कि मान लो अगर कोका कोला है और पर कैन इसकी प्राइस कम कर दी जाएगी तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो। लेकिन इसके मेन जो रीजंस होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्रिंसिपल और डिफरेंट यूजेस, इस वजह से ये नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर बढ़ती जाए या इसकी डिमांड बढ़ती जाए तो हमेशा ही बढ़ती जाएगी। लोग बाग इसका सेवन करते करते भी थक जाएंगे और इसकी यूटिलिटी कम कर देंगे, उसको मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग कहेंगे। एक तो ये रीज़न है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक होता है इनकम इफेक्ट। ये क्या होता है? सपोज आपकी एक इनकम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर प्राइस गिरती है तो आप क्या करोगे? उतने ही इनकम में आप ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगोगे, तो इस वजह से जब प्राइस घटती है तो ये क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी इनकम उतनी रही तो, ये ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस के गिरने पर आपकी इनकम भी गिर जाएगी तो आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती ही है, नो, वो तब बढ़ती है जब आपकी इनकम कांस्टेंट रहे। ये बहुत बारीक बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारे टॉपिक्स बड़े आसान हैं मगर बारीक बातों से
स्कोरिंग ज्यादा होती है। दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सपोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई और जो उसका ऑल्टरनेटिव था उसकी प्राइस उतनी की उतनी रही, तो कंज्यूमर जो होता है वो चीपर प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है, इसलिए उस चीपर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट यूजेस। बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल अगर हो सकें किसी एक प्रोडक्ट के तो भी डिमांड उसकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस कम हो जाए बिजली के, अभी बिजली महंगी है और बिजली महंगी है तो हम क्या करते हैं, टाइम पर पंखा बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, नियम से इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेस का ज़्यादा काम नहीं करते, हीटर नहीं जलाते हैं, एसी में भी कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये 2 कौड़ी की इज्जत हो गई इस बिजली की तो क्या होगा, अरे फिर तो खूब यूज़ करो, भयंकर डिमांड बढ़ जाएगी इसकी प्राइस कम होगी तो। ये भी एक रीज़न है। तो इस कारण से ये जो डिमांड ग्राफ है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वेबलेन गुड्स, स्पेकुलेटिव इफेक्ट, गिफन गुड्स और स्केयरसिटी इन्फ्लेशन या प्राइस डाइल्यूशन। गिफन गुड्स क्या होता है, रॉबर्ट गिफन ने बताया था कि हो सकता है कि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़े, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पर प्राइस भी घट जाएगी और डिमांड भी नहीं बढ़ेगी और इनकम भी उतनी की उतनी रहेगी। सपोज बजट 100 पेंस है, ये फॉरेन का करेंसी है, तो आपके पास इनकम कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये मान लीजिए, 10 रुपये की ये ब्रेड है और 50 रुपये का ये मीट का टुकड़ा है, ठीक है। तो आप ये दोनों खरीद लेते हो, यानी 100 में से आपने क्या किया, 5 ब्रेड के पैकेट ले लिए 50 रुपये के, और 50 रुपये का आपने मीट खरीद लिया, ओके। लेकिन जब ब्रेड के प्राइस 15 रुपये हो गए तो आपने क्या किया, ब्रेड तो आपको चाहिए भले मीट ना काम दे, या मीट तो लग्जरी होती है एक तरीके की, लेकिन ब्रेड हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे 6 पीसेस, यानी एक और बढ़ा लेंगे और मीट को कम कर देंगे, ये हमारी ज़रूरत हो जाती है। इसको गिफन गुड्स बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट है ही, उसके बिना काम नहीं चल सकता। एक और होता है वेबलिन गुड्स, ज़रूरत नहीं है, लग्जरी है, दिखावे के लिए हमको जीना है, ओ बेहतरीन कपड़े पहनना है, बेहतरीन कार में घूमना है, अच्छी बाइक होना चाहिए, अच्छा चश्मा होना चाहिए। इसको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहा है वेबलन ने, इनका नाम था थॉरस्टीन वेबलन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी लेजर क्लास के लिए 1899 में, जिसका नाम था कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन व्हेन पीपल प्रेफर ए गुड बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव, द डिस्प्ले ऑफ आइटम प्रोजेक्ट्स रिलेटिव स्टैंडिंग्स। मतलब महंगी चीज़ तो अच्छी होगी तो उस तरफ भाग पड़ते हैं लोग। हम सिगरेट नहीं पीते जी, सिगार पीते हैं, वाइन पीते हैं, देसी थर्रा थोड़ी ना पीते हैं, ये सब दिमाग में आता है। फिर डायमंड नेकलेस पहनते हैं, ये भी एक होता है कि जो चीज़ महंगी है वो हम खरीदेंगे एक्सपेंसिव। एक होता है स्पेक्युलेटिव इफेक्ट, ये क्या होता है, शेयर मार्केट में होता है ये स्पेक्युलेटिव इफेक्ट। मार्केट जब और बढ़ता है तो लोग और खरीदने लगते हैं, उनको लगता है मार्केट और बढ़ जाएगा तो हमें फायदा होगा, ऐसी जब मार्केट गिरता है तो लोग और बेचने लगते हैं। यानी यहाँ पर अपोजिट रिलेशन नहीं चलता कि प्राइस बढ़ी तो हमने घटा दिया डिमांड, नहीं, प्राइस भी बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गया। इसलिए तो मार्केट में एक न्यूज़ आई गलत और उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ गिर जाता है, एक ने बेचना शुरू किया, अरे गिर रहा है मार्केट, गिर रहा है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या, सब लोग अपने अपने शेयर बेचने लगते हैं और वो गिरता ही जाता है। तो ये होता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट। फिर होता है एक स्केयरसिटी का इफेक्ट, युद्ध के समय ज़्यादा खरीदते हैं लोग, क्यों, क्या पता बाद में हमें मिले ना मिले। आपको याद होगा अभी एक जगह बाढ़ आई थी, बहुत तीर्थ स्थान था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शंकर जी का, और वहाँ पर जो लोग बचे थे उनको अगर एक आध कोई दुकान मिल गई तो 500-500 रुपये की एक पानी की बोतल खरीदी उन लोगों ने, और दुकान वाले इतने गंदे थे कि उनने बेची भी, उनने वहां का भी फायदा उठाया। ऐसे आपदा के समय में लोग भी फायदा उठाते हैं। तो युद्ध वगैरह का समय हो, आपातकाल का समय हो, वहां पर प्राइसेस बढ़ जाए तो भी हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण है, दूसरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डर होता है क्या कि अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, इसलिए उस चक्कर में लोग और ज्यादा खरीद लेते हैं कि आगे और महंगा हो जाएगा सामान। और एक होता है प्राइस डाइल्यूशन, ये आपका होमवर्क है, सिंपल सी चीज है, एक बार आप थोड़ा सा बुक खोलेंगे तो पता लग जाएगा। ये कहलाता है परवर्स डिमांड कर्व, या बोल दो रिवर्स डिमांड कर्व।
वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था, ये एक्सेप्शंस की वजह से स्लोपिंग अपवर्ड्स हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं परवर्स। इसका ये इकोनॉमिक नेम है, परवर्स डिमांड कर्व, यही लिखिए, रिवर्स मत लिखिएगा।